पिछले साल हमने देखा कि लगभग 5.5 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। इसमें नए टैक्स सिस्टम को फॉलो करने वालों की संख्या लगभग 5% थी। नए टैक्स रिजीम फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सके, इसके लिए सरकार इस बार के बजट में प्रावधान कर सकती है। लेकिन पुराने टैक्स सिस्टम को पसंद करने वाले लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा है। इन लोगों को भी निराश नहीं करने वाली है सरकार। हो सकता है इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर इन लोगों को सरकार सौगात दे। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का चलन तेजी से बढ़ा है। इस तरकीब से न केवल लोगों का रोजगार जारी रहा है, बल्कि कारोबार जगत को भी काम करने में अड़चन नहीं आई है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी महामारी के दौर में शुरू हुआ ये फॉर्मूला बेहद कामयाब साबित हुआ है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम करने वालों को टैक्स के मामले में इस बार सरकार बजट में रियायत दे सकती है। अभी जैसे सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे खर्चे एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं, उन खर्चों का बेनिफिट कुछ क्लेम्स के थ्रू दे दें तो उससे क्या खर्चा बढ़ेगा और लोगों को टैक्स भी सेव होगा। दूसरा, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ाने के लिए इस बार सरकार को कुछ टैक्स रिलीफ सीधे सीधे भी देने चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के या कुछ और करके, सो देट लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़े, टैक्स रिलीफ मिले। और वैसे भी इस बार सरकारी आंकड़ों के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो ये जो ज़्यादा का बेनिफिट है ये एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के साथ शेयर भी करने का सेंस बनता है। तो यदि स्टैंडर्ड डिडक्शंस या कुछ और डायरेक्ट टैक्स रिलीफ कुछ इस टाइप की स्कीम्स आएंगी, बेनिफिट्स आएंगे, तो लोगों को टैक्स का टैक्स में रिलीफ मिलेगा। दरअसल वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों का इंटरनेट, फर्नीचर, मोबाइल, बिजली बिल का खर्च बढ़ गया है। वर्क फ्रॉम होम में अतिरिक्त खर्च बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्री बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर सकती है। उद्योग जगत ने भी व्यक्तिगत टैक्सेशन को लेकर सरकार से कई मांग की है, जिनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना भी शामिल है। अनुमान है कि सरकार बजट में नौकरी पेशा और पेंशनर्स के लिए मौजूदा स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को 30-35% तक बढ़ा सकती है। जानकारों का मानना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई से जोड़ने की जरूरत है, जो कई देश पहले से कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक मेजर डिडक्शन है जो उनको अवेलेबल है, जिसकी लिमिट इस समय 50,000 रुपए की है। यह लिमिट 2018 में सरकार ने बढ़ाई थी, उसके बाद से यह लिमिट चेंज नहीं हुई है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट जो है 2018 से अभी तक ऑलमोस्ट डबल हो रखा है। आने वाले बजट में मुझे लगता है सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा। यह तो सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई भत्ते की तरह इन्फ्लेशन रेट के साथ जोड़ सकती है। जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट भी हमारी बढ़ जाती है, या फिर सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ा के सीधा 1,00,000 रुपया कर सकती है, जिससे इम्प्लॉयज के हाथ में कैश इन हैंड बढ़ेगा और उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन किस तरह से टैक्स बचाने में मदद करता है, इसे इस मिसाल के जरिए समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए या कुल तनख्वाह में जो भी कम है वो मानी जाती है। अगर किसी नौकरी पेशा का कुल सालाना वेतन 5,00,000 रुपए है तो उसे 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी इसकी सीमा अगर बढ़ाकर 1,00,000 रुपए की जाती है तो फिर इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।